जैसा कि इंडिया मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में बोल दिया था कि बूंदी में आने वाले 14-15 अगस्त के लमसम हेवी रेन आने वाली है, तो वेदर फोरकास्टिंग करने के बाद देख सकते हैं हम बूंदी में लगातार कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बूंदी में आप देख सकते हैं बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आप देख सकते हो नेशनल हाईवे पे भी बूंदी कोटा का NH-52 पानी से भरा हुआ है और चारों तरफ पानी से लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। आसपास के जितने भी इलाके हैं, कॉलोनी है, आप देख सकते हो देवपुरा, नैनवा रोड, ये सब पानी से लबालब भर चुके हैं। और पुरानी बूंदी में नागदी बाजार भी आप देख सकते हो किस तरीके से पानी की कहर बढ़ पा रहा है। और आसपास के जितने भी गुड़ावान, मांगली नदी, घोड़ा पचाड़, मेज नदी, ये सब अपने उफान पे है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आसपास की जगह है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। जगह जगह बिजली के तार और गड्ढे हैं और इस बारिश के कहर में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोगों के साथ यहाँ पे मवेशी भी परेशान हो रहे हैं, उनको उठाने के लिए दिक्कत हो रही है। और आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। जगह जगह पानी होने के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में संकोच कर रहे हैं। और बूंदी में पानी की इस तरीके के हालात के लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रही है। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो बूंदी जैसी छोटी सिटी में प्रशासन इतना ध्यान नहीं देती, तो लोगों को खुद से ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और बूंदी में जिस तरीके से पानी की आवक बढ़ती जा रही है, आप आसपास के पर्यटन स्थल पर जाने से पहले ध्यान रखें और सावधानी जहाँ पर भी जाएँ पानी का ध्यान रखें कि बहाव ना ज़्यादा ना हो, क्योंकि इस पानी के इस बहाव के कारण व्हीकल्स वगैरह आदि पानी में बह सकते हैं, क्योंकि नदियाँ आप देख सकते हैं जैसा कि डैम के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और सारी पुलियां पूरे उफान पे है। लोगों को आवाजाही में काफ़ी तकलीफ हो रही है और ये डैम पूरी तरीके से भर चुके हैं। हाईवे भी पूरी तरीके से पानी से लबालब हो चुके हैं। लोगों को बहुत जगह दिक्कत आ रही है और ध्यान से अपने व्हीकल्स को लेके जा रहे हैं। चाहे नदी हो चाहे नाले हो, सभी पूरे उफान पे है। जहाँ देखोगे बूंदी में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। इस तरफ बूंदी में अभी बहुत बुरे हालात है, तो आप सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, लोगों की मदद करें।